नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि TID नंबर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये शिकायत आ रही थी कि RGSS कार्ड से पैसे गायब हो रहे हैं, जबकि कैंडिडेट ने कोई दवाई नहीं खरीदी, OPD में दिखाने ही नहीं गया। इसी कारण से सरकार ने OTP की व्यवस्था चालू की है। OTP के साथ TID नंबर भी जारी किया जाएगा, उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर कोई सा ब्राउजर खोल लेंगे, उसमें आप SSO टाइप करने के बाद इस प्रकार से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ID, पासवर्ड और कैप्चा डालना है, बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके ऊपर क्लिक करना है। हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स, एडिट सर्विसिंग डिटेल, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है आपका OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड। यहाँ पर हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं, देखिए साथियों, तो यहाँ पर अपने पास ये प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा आ रहा है आपका राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम OPD प्रिस्क्रिप्शन, प्लीज अपलोड OPD प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट अलोंग विथ पेशेंट डिटेल। यहाँ से हमें पेशेंट सेलेक्ट करना है, कोई सा भी जो भी आप पेशेंट हैं उसके, हमें जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और ये जो शो द ट्रांजेक्शन ID जनरेटेड टू द ऑनलाइन OPD काउंटर ऑफ द हॉस्पिटल और फार्मेसी RGSS विशेज यू स्पीडली रिकवरी एंड गुड हेल्थ, ये इसका इसने दे रखा है। जैसे ही हम यहाँ पर ये पेशेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपका करंट स्केल भी शो होगा और यहाँ पर हमें चूज फाइल, जैसे ही हम चूज फाइल करेंगे यहाँ पर, जैसे आपको ये इसकी साइज जो आपकी 3 MB की होनी चाहिए, की होगी तो हम उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर इससे पहले देखिए ये आपका, जैसे कि ये देख लिया, और यहाँ पर जैसे स्केल काउंटर स्केल है ये, और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट अभी हम चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, हमने जांच करवाई है। और यहाँ पर व्यू फार्मेसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका फार्मेसिस्ट जो आ गया, ये सिलेक्ट स्टेट राजस्थान गुजरात दिल्ली का आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, और वहाँ पे हम चाहे तो दुकान को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, इसमें ये राजस्थान है और ये आपका, जैसे मैंने भिलवाड़ा ले लिया, राजस्थान में मेरा भिलवाड़ा जिला है, तो यहाँ पर और सिटी जैसे मैं भिलवाड़ा में ही सर्च करना चाह रहा हूँ, बाकी हर एक ब्लॉक लेवल पे भी है ये। देखिए यहाँ पर इतने सारी आपकी दुकानें हैं जिसमें आप ये दवाई खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भिलवाड़ा के अंदर ये सारी दुकानें हैं, जैसे अरोरा मेडिकल एंड ग्लूकोज ये वाला हो गया। इसके बाद ये अपनी 12 दुकानें की सूची अपने को दिखाई गई है, इसमें भिलवाड़ा से आप किसी से भी आप खरीद सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ आसीन में लेना चाहता हूँ, तो आसीन में जैसे मैं सर्च करता हूँ तो आसीन में भी ये बहुत सारे मेडिकल्स के नाम आ रहे हैं और इन मेडिकल से हम दवा खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये तो अपने पास मेडिकल फार्मेसी के बारे में हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही कंफर्म करते हैं, जैसे ही हम कंफर्म बटन दबाएंगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, उसमें आपका TID नंबर जनरेट हो जाएगा। और नीचे जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, यहाँ पर कंफर्म करते ही प्लीज नॉट योर ID, ये ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी, TID नंबर आ जाएगा, और ये हमारे मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है
इसको हम फार्मासिस्ट को दिखाते हैं तो वहाँ इस नंबर को देखकर हमें दवाई देता है, और दवाई के बाद एक ओटीपी भी आएगा, उस ओटीपी के द्वारा ही अपना पेमेंट इस कार्ड में से कटेगा। जब तक टीआईडी नंबर बनने के बाद भी अगर ओटीपी नहीं आता है तो पेमेंट है जो इस कार्ड में से नहीं कटेगा। ठीक है ना साथियों, ये साथियों आपको हमारे द्वारा जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।